आज तक आपने कई छोटे बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे या फाइव स्टार होटल में खाना खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी हवा में उड़ते हुए लजीज खाना खाया है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। अब आप जमीन से कई फीट ऊपर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मावल परिसर में अब आप हैंगिंग होटल में बैठकर भोजन का लुफ्त उठा सकते हैं। इस होटल का नाम है स्काई डाइनिंग, जो कि जमीन से 120 फीट ऊपर जाकर 360 डिग्री घूमता है। है ना रोमांचित करने वाला होटल? महाराष्ट्र में जब भी घूमने की बात होती है तो सबसे पहले सैलानी लोनावला, खंडाला, मावल में ही घूमने का जिक्र करते हैं। यहाँ सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। मावल परिसर के कासार साई डैम के पास बना यह स्काई डाइनिंग होटल 120 फीट की ऊंचाई पर लजीज भोजन का स्वाद चखने के साथ साथ हसीन वादियों का भी दीदार कराता है। इस फ्लाइंग रेस्टोरेंट को हाल ही में सैलानी के लिए खोला गया है। आकाश राठौर द्वारा इस होटल का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र में कुछ हटके करने का उनका सपना था, इसलिए उन्होंने विदेशों की स्काई डाइनिंग की संकल्पना को महाराष्ट्र के पुणे जिले में साकार किया है। इस बेहतरीन और अनोखे रेस्टोरेंट में भोजन करने का एक अलग ही मजा है। आपको बता दें कि फ्लाइंग रेस्टोरेंट 360 डिग्री घूमता है और इस रेस्टोरेंट में एक साथ 22 लोग लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पर लंच और डिनर के कई सारे पैकेज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फ्लाइंग रेस्टोरेंट के खुलने से मावल में पर्यटकों को और बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ लंच और डिनर करने के लिए जा सकते हैं। ही संकल्पना येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे की बुवा लोकांना आपण नवीन काय देऊ शकतो, तेच हॉटेलमध्ये जाऊन लोकांना कंटाळा आला, त्यामुळे आम्ही नवीन एक संकल्पना आणली, ती म्हणजे स्काय डायनिंग। भारतामध्ये दोन तीन ठिकाणी ही संकल्पना आहे, पण महाराष्ट्रात पुण्यात सर्वप्रथम ही कल्पना आम्ही आणली आहे। ते आणि ह्या निसर्गरम्य वातावरणात लोकांना 120 फुटावर जाऊन एक जेवणाचा आस्वाद घ्यावा यासाठी आम्ही ही संकल्पना चालू केली आहे। ह्या टेबलवर ॲट अ टाईम 22 लोक बसतात आणि वर गेल्यानंतर हा टेबल 360 डिग्री रोटेट होतो, म्हणजे त्यांना चौफेर निसर्गाचा आनंद हा घेता येतो। आणि वर जाताना सर्व सेफ्टीज आम्ही बघतो, सर्व SOP चेकलिस्ट असते, सीट बेल्ट्स असतात लावलेले आणि हार्नेसनी वगैरे सर्व सेफ्टी हे करूनच आम्ही लोकांना वर पाठवतो। ही जी जागा होती की इथे आम्ही 120 फुटांवरती वरती जाऊन परत खाली आलो आहे। इथे ॲक्च्युली इफ यू लुक ॲट दिस प्लेस, तर 360 डिग्रीजला जो टेबल रोटेट होतो तो प्रत्येक दिशेला तुम्हाला 360 व्ह्यूमध्ये तुम्हाला इथे माउंटेन्स दिसणार, ग्रीनरी आहे आणि डॅम आहे तर पाणी आहेच। सो दिस इज समथिंग न्यू एक्सपिरियन्स की तुम्ही हवेत असून तिथे जेवण करताय, मग ते असो तुमचं लंच किंवा डिनर असो, इट्स एन अमेझिंग एक्सपिरियन्स आणि इथे नक्की यायलाच पाहिजे। भीती अजिबात नाही वाटली मला, मला असं स्काय किंवा हाईटचा फोबिया नाही आहे सच, बट सिक्युरिटी वगैरे सगळं खूप चांगलं आहे, सो इट्स एन अमेझिंग एक्सपिरियन्स। कासरसई डॅमच्या या निसर्गरम्य अशा मावळ तालुक्याच्या या वातावरणात एक आगळं वेगळं असं हॉटेल महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे आणि ह्या हॉटेलचा एक वेगळाच आनंद 120 फुटावर हवेत जाऊन घेण्यासारखा आहे आणि एक खूपच वेगळा अनुभव पर्यटक घेण्यासाठी इथं आवर्जून येत असतात। खूप छान हॉटेल आणि खूप छान एक अनुभव इथं भेटतो आहे। दुसऱ्या हॉटेलमध्ये तर एक नेहमीच आपण जात असतो, परंतु ह्या हॉटेलमध्ये एक वेगळाच अनुभव आहे आणि हे इथं जाऊन एक खूपच 120 फुटावर जेवण करणे किंवा डिनर करणे खूप असा वेगळा असा अनुभव आहे। सुरक्षेविषयी खूप छान काळजी घेतलेली आहे, सीट बेल्ट आहे, क्रेन आहे, तसं सुरक्षितता भरपूर आहे, पडण्याचं वगैरे काही तसं हे नाही। ब्युरो रिपोर्ट, VSAS न्यूज, पुणे।